और एरोप्लेन, वाह यार कितना बड़ा एरोप्लेन है गाइस, कितना नीचे उड़ रहा है। एक सेकंड, मेरे पास भी तो एक एरोप्लेन था यार। यार मैंने वो एरोप्लेन लड़के को दी थी, वो लड़का कहाँ पे गया? अरे बोरा, ओए क्या हुआ? ऊपर ऊपर इधर आ मेरे पास आ, अभी देखते हैं उसने क्या हाल किया एरोप्लेन का, अभी पता चल जाएगा। इधर क्या हो भैया? मैंने तेरे को काफी टाइम पहले एक एरोप्लेन दी थी ना भैया। कौन सा एरोप्लेन? अरे एरोप्लेन दी थी, झूठ मत बोल। नहीं भैया नहीं दी थी। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है तेरे पास? हाँ भैया है। पकड़ लिया साला। तो फिर लेके आ जल्दी से। नहीं भैया नहीं ला सकता मैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं ला सकता। लेके आ चल, अभी पता चल जाएगा। मेरे को लग रहा है इसने कुछ कबाड़ा कर दिया उसके साथ, जल्दी से ले। अरे यार भैया डांटेंगा, मैं क्या बोलूं। लो भैया ले आया। हाँ। इसमें कुछ तो कबाड़ा कर दिया तूने, मेरे को लग रहा है। चालू तो है नहीं है? हाँ। चेक करते चलती है नहीं चलती है। अभी तेरे राज सामने देख। अरे ये क्या कर दिया, ये एक ही पंख कैसे इसका? चालू एक ही है यार, मेरे को लग रहा है तूने कबाड़ा कर दिया इसका। हाँ। चल तो रही, ये पंख कहाँ गया इसका? घूम गया। ऐसे कैसे घुमा दिया यार? ठीक है एक बार चला के देखता हूँ, चलती है नहीं है। अबे अरे ये खड़ी क्यों नहीं हो रही है? अबे यार टायर भी खो दिया तूने, अब इसको कैसे चलाऊंगा मैं? पंखुड़ी तक चोरी इसकी तो नीचे यार, कर देगा बड़ा, इसलिए नहीं देता हूँ मैं तुमको एरोप्लेन। भैया नहीं लेकर आ जाओ, ये टूटी फूटी मैं चला लूंगा। तो चल लेगा ये। हाँ। अब नहीं लानी पड़ेगी यार, तुमने तो वैसे भी इसका कबाड़ा कर दिया। चल ठीक है तू रख ले, मैं दूसरी लेके आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो मैं लेके आ गया बिल्कुल ब्रांड न्यू, देखो बॉक्स में पैक है ये एरोप्लेन। और ये एक्चुअल में एरोप्लेन नहीं, ये है फाइटर जेट। और इसका शेप देखो एक बार, इसके अंदर मतलब ये क्वाडकॉप्टर है, चार चार पंख लगे हुए इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर चार पंख वाला है, ये क्वाडकॉप्टर है और इसका शेप कुछ फाइटर जेट टाइप का है। 14 प्लस मतलब बच्चे नहीं उड़ा सकते, 14 से ऊपर ही चाहिए इसको उड़ाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग वगैरह आनी चाहिए। और ये गाइस आप यकीन मानो, जब आप इसको देखोगे इसकी स्टेबिलिटी वगैरह, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर और है, जब अपनी एरोप्लेन उड़ती है तो उसके पीछे से जो कलर स्मोक निकलता है ना वो वाला भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं स्मोक निकलेगा। तो चलिए फटाफट से खोल के देखते हैं अंदर से क्या क्या निकलता है इसके साथ में। 1 2 3 तो गाइस ये है कुछ इस टाइप की, बिल्कुल ब्लैक और ऑरेंज कलर की है। इसके साथ में अपने को क्या क्या मिला वो बता देता हूँ मैं। पहले तो इसके अंदर से निकली इसकी ये बैटरी छोटी सी इस टाइप की है। इसके अलावा इसकी चार्जिंग के लिए केबल, और इसके अंदर लिक्विड भरना होगा तो इसके लिए ये छोटी सी बोतल मिली, और एक्स्ट्रा पंख और ये पेचकस मिला। और फिर इसका रिमोट देखते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिजाइन है इसका। और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर ट्रिपल ए बैटरी लगेगी, 3 AAA बैटरी लगेगी। और कंट्रोलिंग वगैरह कैसे किया मैं अभी आपको बताता हूँ, इससे पहले अपन एरोप्लेन देख लेते हैं। तो गाइस ये है अपना फाइटर जेट एरोप्लेन, और इसके अलावा इसके पीछे की तरफ ये वाली इसकी पूंछ लगेगी, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ये लग गई इसकी पूंछ, अब देखो इसका लुक एक बार, कितनी शानदार लग रही है गाइस। इसके अंदर देखो यहाँ पे चार चार पंख लगे हुए हैं, मतलब इनके चारों को ऊपर उड़ेगी, और इसके अंदर लाइट भी जलती है। तो मैं एक बार आपको इसको बैटरी लगा के दिखाता हूँ। तो ये बैटरी इसकी यहाँ पे नीचे की साइड लगती है, ओके ये लग गई बैटरी, और इसके ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर है। और गाइज इसके अंदर कैमरा भी लगता है, उसके लिए अपने को इससे ऊपर वाला मॉडल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखो लाइट वगैरह भी दे रखी है इसके नीचे की साइड, और इसको खड़ा करने के लिए देखो यहाँ पर नीचे पहिए दे रखे। तो एक बार मैं आपको खड़ा करके दिखाता हूँ इसको, ये देखो गाइस। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कितनी शानदार लुक आ रहा है इसका, बिल्कुल एरोप्लेन के जैसे यार। और पहियों के ऊपर ये कुछ इस टाइप से देखो आगे पीछे चल भी सकती है, इसमें चलने का फीचर नहीं है, इसमें उड़ने का केवल। ओके तो अभी इसे ऑन करके देखते हैं एक बार, ये हो गया ऑन। और इसके नीचे देखो यहाँ पर लाइट वगैरह जलने लग गई, और अब इसको करते हैं रिमोट से कंट्रोल, ये हो गया और ये चालू। Guys, ये बंद भी हो गया। अच्छा इसको टिल्ट करते ये बंद हो जाता है। अब इसकी स्पीड बढ़ा के देखता हूँ एक बार। ओ भाई 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 ये क्या चीज है, अबे रुक 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 गाइस, बहुत ज्यादा पावर के साथ चल रहा है। तो ये शायद वर्टिकली नहीं चलेगा, इसको हॉरिजॉन्टल रख के चला सकते हैं अपन। तो एक बार फ्लाइट लेके देखते हैं, फर्स्ट फ्लाइट इन 1 2 3, ये हो गया गाइस। देखो ये आगे पीछे हिल रहा है खुद से, चलना चाहिए यार ये आगे पीछे, मजा आता है उसमें। चलो टेक ऑफ करते इसको, और ये ऑटोमेटिक चल रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर टेक ऑफ के लिए ये बटन है, इससे टेक ऑफ भी हो जाता है और वापस लैंड भी हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 360 वाला फीचर भी है, वो भी करके देखेंगे अपन। और इसके अंदर कैमरे के लिए दोनों साइड बटन दे रखे, और जो तीसरा चीज है स्मोक वाला वो चीज अपन बाद में ट्राई करेंगे, पहले इसको उड़ा के देख लेते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं इसकी। 1 2 3, वो ये लैंड कर दिया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ उड़ रहा है यार ये ड्रोन। ड्रोन है, एरोप्लेन है, क्या है जो भी है, लेकिन काफी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ उड़ रहा है। और ये मैं इसको आगे की तरफ चलाता हूं एक बार, वाह यार। तो इस बार इसको हाथ से टेक ऑफ करके देखते हैं। वो गाइस ये गया, जबरदस्त उड़ रहा है, बहुत शानदार। देखो अपन किसी भी डायरेक्शन में मोड़ के चला सकता हूँ मैं इसको। अब इसको 360 रोल करा के देखते हैं एक बार, और ये रोल कर रहा है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है यार उड़ाने का। तो गाइस नीचे उतर गया था, उसको वापस ला रहे हैं अभी, और ये आ गया हमारे पास।
तो गाइस बिगनर के हिसाब से तो ये ड्रोन एक नंबर है, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ उड़ रहा है और आराम से उड़ा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अब इसका स्मोक वाला फीचर भी देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखो छोटी सी डिबिया लगी हुई है और इसका यहाँ से ये ढक्कन खुल जाएगा, इसके अंदर भरना होगा, इसके अंदर पानी भर के फुल, एक शीशी में फुल भर जाता है, मतलब ये हो गया। अब देखो इसके पीछे की साइड में यहाँ पे कुछ स्पीकर टाइप का दिख रहा होगा, जो पानी डाला था उस पानी का स्मोक बन के यहाँ से निकलेगा, तो ट्राई करके देखते हैं एक बार, मेरे को भी नहीं पता बनेगा या नहीं बनेगा। निकल रहा है यार स्मोक इसमें से, देखो कितना शानदार तरीके से, वाह यार जबरदस्त चीज है। अभी हवा चल रही है तो ये स्मोक इधर इधर उड़ रहा है, स्मोक ठंडा है बिल्कुल चिल्ड, और ये लाइट जल रही है तो ये अंधेरे के अंदर एक नंबर लगेगा। देखो इसकी लाइटिंग कितनी शानदार लग रही है, और अब इसका स्मोक निकलेगा जो देखना एक बार, वो गाइस कितना शानदार लग रहा है लाइट के साथ में ये, देखो एक नंबर यार। ये फीचर मेरे को इसका शानदार लगा, जैसे फाइटर जेट के पीछे से निकलता है ना धुआं वैसे निकल रहा है, और ये काफी ठंडा है, हाय हाय एक नंबर, लारे की तरफ उड़ रही हो। तो यार उड़ने में भैया आप ये ले लो, मेरे को ये दे दो। क्या क्यों इसको भी तोड़ देगा फिर? नहीं तोड़ूंगा भैया ये दे दो। अरे चल वे यही चला अब तो, यही हो गया तेरा, ये मेरा ड्रोन है, इससे महंगा भी है। नहीं भैया ये मेरे से नहीं चल रहा। नहीं चल रहा लेगा? हाँ। चल ले यार तू ही मौज कर ले। तो गाइस इसके पास दो दो एरोप्लेन, ये भी तू ही रख ले, दोनों उड़ाना। और बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।